आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हियर वी हैव अ क्रॉसवर्ड पजल जिसमें हमको क्रॉस में कुछ क्लूज दे रखे हैं और डाउन के कुछ क्लूज दे रखे हैं और हमने इनको मैच करके जो है आंसर्स फिल किए हैं अपने क्रॉसवर्ड पजल में। ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट विद क्रॉस सेक्शन। अक्रॉस में हम देखेंगे कि अक्रॉस में क्या क्या क्लूज हैं हमारे पास। सो फर्स्ट में माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग टू कॉन्वेक्स लेंसेज। तो दो कॉन्वेक्स लेंसेज का जो माइक्रोस्कोप होता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज सिंपल में एक ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, बाकी कंपाउंड टेलीस्कोप वगैरह में दो लेंसेज का ही यूज़ होता है। सो दिस इज़ वाई फर्स्ट का आंसर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज थर्ड, द जेली लाइक सब्स्टेंस दैट फिल्स द एरिया ऑफ आईबॉल बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस। सो थर्ड ऑप्शन में वी सी द आंसर इज विटरस ह्यूमर, जो कि रेटिना और आईबॉल के जो रेटिना और लेंस के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम विटरस ह्यूमर कहते हैं। सो थर्ड ऑप्शन पे वी हैव फिल्ड विटरस ह्यूमर। ओके, सो नेक्स्ट इज फिफ्थ, विच इज़ अ लेंस माउंटेड इन अ फ्रेम यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट बिगर देन इट इज इट रियली इज। सो द आंसर ऑफ फिफ्थ विल बी मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है जो एक ऑब्जेक्ट को जैसा वो है उससे बड़ा दिखाए। ओके, सो इसमें द आंसर विल बी मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड देन इज ऑप्शन नाइन्थ, द क्लियर एंड वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द चेंबर ऑफ द आई बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस। सो कॉर्निया एंड द लेंस वाला जो एरिया फिल करता है वो करता है एक्वियस ह्यूमर। ओके, सो नाइन्थ का यू कैन सी एक्वियस ह्यूमर इज द आंसर। नेक्स्ट इज इलेवेंथ, an optical instrument used to view distant object when viewed through it. So telescopes ही use होते हैं distance object के लिए, तो microscope तो छोटे object को बड़ा करने के लिए use होते हैं और दूर के object को पास देखना है तो हम telescope का use करते हैं। So 11th पे answer आएगा telescope. Next is 12th, defect of human eye by virtue of which a person can see clearly the distant object but blur the nearby object. So दूर का साफ दिखता है but पास का अगर आपको blur दिख रहा है then you are suffering from hypermetropia, और अगर opposite होता है कि दूर का blur दिखता है और पास का ठीक दिखता है then you are suffering from myopia. So इसमें answer will be hypermetropia. So 12th का answer है hypermetropia. Okay, so across के पूरे हो चुके हैं, अब हम down के देखेंगे। सो डाउन में वी हैव फर्स्ट द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट इज बल्ज टुवर्ड्स लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू इट। सो द आंसर विल बी कॉर्निया। ओके, फ्रंट में होता है आई के एंड लाइट जो है ऑब्जेक्ट से फर्स्टली इसके थ्रू ही पास होती है। नेक्स्ट इज सेकेंड, एन ऑप्टिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ दैट इज यूज टू मेक थिंग्स मैग्नीफाइड। सो सेकेंड में अगर हम डाउनवर्ड देखें सो द आंसर विल बी दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, सो इट्स एन ऑप्टिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ का और थिंग्स को मैग्नीफाई करता है, तो ऑफकोर्स माइक्रोस्कोप ही होगा मैग्नीफाई कर रहा है, तो क्योंकि टेलीस्कोप तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं ना, सो दिस विल बी सिंपल माइक्रोस्कोप इज द आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ, एन अपैरेटस फॉर टेकिंग फोटोग्राफ। सो यू नो, यू ऑल नो दिस आंसर विल बी कैमरा। कैमरा से हम फोटोग्राफ ले पाते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लैट कलर्ड मेम्ब्रेन इन द आई लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस दैट कंटेन्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। सो सिक्स्थ का आंसर विल बी आयरस। ओके, नेक्स्ट है एट्थ, द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। सो एट्थ विल बी प्यूपिल। सो प्यूपिल एक डार्क पोर्शन होता है आयरिस के बीच में जिसके थ्रू लाइट जो जाती है और आयरिस जो है उसके शेप को जो है कंट्रोल करता है। सो एट्थ का आंसर जो है वो होगा प्यूपिल। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज आई गेस
द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स एट क्लोज रेंज बेटर देन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है उसको ब्लर दिखता है और नियर ऑब्जेक्ट उसको ठीक दिखता है. सो देन द पर्सन विल सफरिंग फ्रॉम द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया विच इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ऑफकोर्स. सो या दीज आर द आंसर्स टू द क्लूज वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.